हाय फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वरूप, आप देख रहे हैं वीकली गैजेट न्यूज और मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट वीकली गैजेट न्यूज। दोस्तों बता दूं, दोस्तों इस हफ्ते की गैजेट न्यूज जो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं दोस्तों, और कुछ तो हो चुके हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या क्या लॉन्च हुआ है इस हफ्ते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीक्स टेक न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। सो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबरें आ चुकी है। दोस्तों शुरू करते हैं पहले जो खबर है उसके बारे में। पहली खबर जो निकल के आती है वो है दोस्तों PS5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोनी का PlayStation आप लोगों को पता है कि आते ही तबाही मचा दिया था, और अभी ये सेम तबाही इंडिया में भी आ चुका है। और मैं बता दूँ दोस्त, जस्ट सेकेंड्स, मिनट भी नहीं, सेकेंड्स में ये जो है स्टॉकआउट हो चुका है। दोस्तों जिन लोगों को खरीदना था वो भी नहीं खरीद पाए, तो डिमांड इज वेरी हाई एंड सप्लाई इज लो फॉर सोनी PlayStation। यही फैक्ट है। अगर आप देखेंगे इस कंसोल को, इतना ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है इस कंसोल को, और ये इसके दो वेरिएंट ही इंडिया में लॉन्च हुए हैं। आपको बता दूं कि जो डिजिटल वर्जन है वो भी अवेलेबल था और जो डिस्क वर्जन है वो भी अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही इंडिया में लॉन्च हुआ वैसे ही इसका जो है अवेलेबिलिटी ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक से अभी निकल चुका है, पता नहीं कभी आने वाला है। होप कि जल्द से जल्द जो सोनी ब्रांड है हम लोग को इसके जो स्टॉक से ज़्यादा लाके प्रोवाइड कर दे, जिससे कि जो वेट कर रहे हैं सोनी PlayStation 5 लेने के लिए उन लोग को कतार में खड़ा ना रहना पड़े। तो देखते हैं कभी ये जो है स्टॉक फुल हो जाएगा, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। आप लोग वेट कर रहे हैं सोनी PlayStation 5 का, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल गई थी एक नए फ़ोन लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग वापस से उनका जो बजट सेक्शन फ़ोन लेके आया है। मैंने लास्ट वीक बताया था आप लोगों को कि M02 नाम का एक फ़ोन आने वाला है, और जी हाँ दोस्तों ये सैमसंग ने रिलीज़ कर दिया है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ अमेजोन में ही मिलता है ये M02 फ़ोन। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि बजट सेक्शन में आपको क्या मिलता है इस फ़ोन के अंदर। इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले, MediaTek का 6739 प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेसर जो है 3 साल पुराना प्रोसेसर है। MediaTek का ये पुराना प्रोसेसर सैमसंग क्यों लेके आया मुझे नहीं पता, बट सस्ते में इतना ही मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि EMMC स्टोरेज के साथ आता है। दोस्तों मतलब आप अगर ट्रांसफ़र करेंगे कुछ फाइल्स, वीडियो या ऑडियो फाइल्स इधर से उधर कंप्यूटर से आपके फ़ोन में, तो आपको इतनी लैग देखने को मिलेगी कि आप थक जाएंगे कि अरे ये इतना स्लो क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। UFS 2.1 तो देना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है, बट आई गेस बजट कंस्ट्रेंट के वजह से EMMC स्टोरेज दिया है। कैमरा की बात करें तो 13+2 जो है डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो ये अच्छा है, 5000 mAh का बड़ा बैटरी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। कलर्स की बात करें 4 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रे, ब्लू एंड रेड। अगर प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ इसको लॉन्च किया है। अगर वेरिएंट की बात करें 2GB RAM 32GB वेरिएंट जो है 6799 में लॉन्च किया है, जो कि इंट्रोडक्टरी ऑफर है। ये ऑफर जो है कुछ टाइम के लिए, इसके बाद इसका प्राइस जो है 6999 होने वाला है। और जो 3 32GB RAM का वर्जन है उसकी प्राइस रखी गई है 7999। तो 8000 और 7000 रुपये के अंदर क्या मुझे ये रिकमेंड करना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम टाइट बजट में है, सैमसंग ब्रांडिंग आपको चाहिए, तो ये फ़ोन डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ प्रोसेसर के बारे में, अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग के करने का सोच रहे हैं एक बजट फ़ोन के अंदर, और आपको कुछ मल्टीटास्किंग भी करना है, तो भूल जाइए दोस्तों, M02 कुछ नहीं परफॉर्म कर पाएगा। 3 साल पुराना MediaTek का चिप है, जो मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखते हैं अभी कैसी जो है लोकप्रियता इसको मिलती है M02 को, हालांकि ये सैमसंग ब्रांड के साथ आता है। मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे, अगर आप लोग को ये फ़ोन आपके जो मॉम डैड ओल्ड एज जो है उन लोग को देना है, तो उन लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि डायल पैड और मैसेजेस ही यूज़ करते हैं उन लोग ज़्यादा कुछ एडिटिंग या कुछ गेमिंग नहीं करते हैं।
लेकिन अगर आप लोग खुद के लिए लेना चाहते हैं तो स्टे अवे फ्रॉम दिस सैमसंग M02। इससे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है इंस्टाग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम जो है अभी एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इंस्टाग्राम में जो हम लोग वीडियोज या फोटोज या IGTV डालते हैं, हम लोग को लगता है कि वो डिलीट हो गया है। सम टाइम के लिए अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो डिलीट हो गया है, लेकिन एक्चुअली में अभी वो जो फीचर है वो निकल गया है। उसमें आप जो है पोस्ट को 30 डेज के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं, जो भी पोस्ट डिलीट किया आप लोगों ने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि ये जो पोस्ट है हम लोग को डिलीट नहीं करना चाहिए था, वापस से अगर रिस्टोर करना है तो भी ये ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वो लेटेस्ट अपडेट के साथ ही आएगा। तो अगर आप लोग के पास इंस्टाग्राम है उसको अपडेट कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के बाद ये जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी निकल के आती है एक नए फोन लॉन्च के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी बहुत पहले जो है टॉप रैंक पे था, अभी जो है इसका कोई नामो निशान नहीं है रैंकिंग में। इस कंपनी का नाम है नोकिया। जी हाँ दोस्तों, नोकिया जो है अभी नया फोन लॉन्च कर रहा है जिसका नंबर है 1.4। जी हाँ दोस्तों, बजट सेक्शन का ये जो है फ़ोन होने वाला है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 6.5 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 215, कितना पुराना प्रोसेसर दिया है इन लोग ने, ट्रिपल कार्ड स्लॉट जो कि अगेन EMMC स्टोरेज के साथ आएगा, 8+2 का डुअल कैमरा मिल जाएगा इसमें, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड्रॉयड 11 इसमें आपको मिल जाएगा, 4000mAh की बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्ट मत कीजिए इसके अंदर। और इसका मैं जो रैम वेरिएंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, 1GB रैम जो वेरिएंट है उसकी प्राइस निकल के आई है 8,690 रुपीज़। 1GB रैम 2021 में, 2021 में हम लोग को 1GB रैम देखने को मिल रहा है नोकिया की तरफ से? क्या कर रहे हैं नोकिया? और 8,650, इससे अच्छा तो मैं रिकमेंड करूँगा M02 ले लीजिए दोस्तों। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर रहा है ये नोकिया को एक बार सोचना चाहिए लॉन्च के पहले। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विद नोकिया 1.4। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है वो मार्च में बताया जा रहा है। मैं कहूंगा कि अगर वो लॉन्च होता है तो इससे दूर ही रहिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है एक इंटरेस्टिंग फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है मैंने बताया था आपको, दो फोन रियलमी की तरफ से आने वाला है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है दोस्तों। Realme X7 Pro ये जो है फोन लॉन्च हो चुका है, काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है दोस्तों। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 6.5 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले जो कि पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाता है दोस्तों। और इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है आपको वो है MediaTek का Dimensity 1000+ जो कि 7 नैनोमीटर में बना हुआ चिप है, 120Hz की रिफ्रेश रेट जो कि 240Hz तक टच सैम्पलिंग रेट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको डुअल 5G सपोर्ट मिलता है, यानी कि दोनों सिम कार्ड इंस्टॉल कीजिए, दोनों में 5G चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का ऑप्शन दिया गया है, वेपर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, डॉल्बी एटमोस दिया गया है, एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, रियलमी UI इसके अंदर इनबिल्ड मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बड़ी बैटरी विद 65W फास्ट चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये एटम बॉम्ब है, मोबाइल नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च कर रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है X7 Pro के बारे में। और इसकी प्राइस जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक ही वेरिएंट आ रहा है, 8GB रैम, 128GB इंटरनल, एक्सपेंड नहीं कर सकते इसको। इसका जो चार्ज है वो है अराउंड 29,999, 30,000 के अंदर ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया फोन है। अगर आप लोग 30,000 के अंदर एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं, 100% रेकमेंडेड Realme X7 Pro। एब्सोल्युटली स्टनिंग डिस्प्ले, एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंस, सब कुछ एकदम बढ़िया आपको मिल जाएगा। सो Realme X7 Pro मेरे तरफ से हैंड्स अप इफ यू वॉन्ट टू बाई इट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है Realme के X7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया X7 Pro के बारे में, जो कि एब्सोल्युटली किलिंग मशीन है अगर आपको लेना है। लेकिन इसके अलावा भी लॉन्च हुआ है X7 जो कि इससे थोड़ा कम जो है स्पेसिफिकेशन वाला वर्जन है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है 6.4 इंच की
फुल एच डी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, ये भी 1200 निट्स तक जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर में है। ये भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ऑब्वियसली इसमें 120 या 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दिया है, बट टच सैम्पलिंग रेट इसके अंदर अच्छा है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। डुअल 5G इसमें भी मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें भी दिया गया है। एंड्रॉयड 10 रियलमी UI इसमें भी दिया गया है। इसमें अगर कैमरे की बात करें, क्वाड नहीं है, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की बढ़िया सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें, थोड़ा छोटा है, 4310 mAh की बैटरी मिल जाती है। 65 वॉट का चार्जर इसके अंदर मिलता है, बट मैक्स कैपेसिटी इसका 50 वॉट तक ही चार्ज करता है। तो 65 वॉट देने का कुछ मतलब नहीं है, 50 वॉट तक ही चार्ज करेगा, तो वो एक काइंड ऑफ कॉन है। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये 6GB रैम 128GB इसका वेरियंट जो है 19,999 में मिल रहा है। 8GB रैम 128GB वेरियंट 21,999 में मिल रहा है। तो आई थिंक 22,000 के अंदर और 20,000 के अंदर आपको एक 5G फ़ोन अगर चाहिए और एमोलेड डिस्प्ले के साथ चाहिए तो यू कैन लुक फॉर दिस रियलमी X7। ये भी बहुत ही बढ़िया फ़ोन है बजट सेक्शन के अंदर। मैं बजट नहीं करूँगा, मिड बजट में इसको कंसिडर करूँगा। M51 के साथ ये टक्कर लेता है, उसकी भी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 23,000-24,000 के बीच में है। तो अगर 20,000 के अंदर आपको चाहिए, रियलमी X7 बेस्ट फोन अंडर 20,000। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है इंटरेस्टिंग वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बुक माई शो का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बुक माई शो से हम लोग जो है मूवी टिकट्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन अभी बुक माई शो जो है उन लोग एक नया स्ट्रीमिंग सर्विस चालू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उन लोग का नया पेपर व्यू स्ट्रीमिंग सर्विस चालू कर दिया है, जिसके अंदर आपको 600 से ज़्यादा मूवी टाइटल देखने को मिल जाएगा, 72,000 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें बता दूँ दोस्तों, Amazon Prime और Netflix जैसे हम लोग यूज़ करते हैं रिचार्ज करके, वैसा नहीं करना है। इसमें आप रेंट कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। रेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ते में मूवीज़ मिल जाएगा, अगर आप बाई करते हैं तो वही मूवी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। मतलब पे पर व्यू, यानी कि एक मूवी का एक चार्ज, दूसरे मूवी का दूसरा चार्ज। तो वैसा आपको जितना मूवी देखना है उस हिसाब से चार्जेस वेरी होगा। तो देखते हैं कि ये इंडिया में कितना सफल होता है, बिकॉज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जो है अभी टॉप में है। अगर हम लोग OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा। देखते हैं कि कितना बढ़िया होता है। आप लोग इंटरेस्टेड है क्या बुक माई शो का जो है OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए? डेफिनेटली मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है मोटरोला के 3 फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 फोन जो है नियो, कैप्री और इबीजा, ये 3 फोन लिस्टिंग हो चुका है, लेकिन इसमें से अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो आया है वो मोटरोला इबीजा के बारे में आया है। जी हाँ दोस्तों, मोटरोला इबीजा इज काइंड ऑफ इनोवेटिव नेम। स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है इस इबीजा का। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा HD+ 90Hz डिस्प्ले, ओके, स्नैपड्रैगन का 480 प्रोसेसर, ओके, 48+5+2 का ट्रिपल कैमरा, 6GB की रैम, एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट, 5000 mAh की बैटरी। अभी तक तो फिलहाल यही स्पेक्स रिवील हुए हैं। अभी देखना ये पड़ेगा कि इसका प्राइसिंग क्या होता है, वो मेन है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है? मैं कहूँ तो 10,000 के अंदर अगर ये लॉन्च होता है तो इट्स वर्थ अ बाय। 10,000 से नीचे आई विल नॉट कंसिडर दिस एज ए गुड बाय। लेट्स सी कि मोटरोला कभी लॉन्च करता है। हालांकि बात तो चल रही है मार्च के अंदर इबीजा को लॉन्च करने की। बाकी जो 2 फोन्स हैं मोटरोला के, कैप्री और नियो, वो हम लोग को जून या जुलाई में देखने को मिल जाएगा। इबीजा जो है टीज कर दिया गया है, तो इबीजा सबसे पहले लॉन्च होगा, बाकी 2 आने वाले टाइम में लॉन्च हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है 4G के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 4G, ये गेम से कितनी एक्सपेक्टेशन थी हमें, बट मैं जहाँ देखूँ वहाँ मुझे इसके जो है रोस्ट वीडियो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 4G में गन जो है आपको ट्रेलर में देखने को मिलता है, बट पूरे गेम में, कैंपेन मोड में गन है ही नहीं। और बाकी जो मोड है उसमें अभी तक अपडेट्स आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए ही नहीं है। कभी इन लोग जो है अपडेट करेंगे उसका वेट करेंगे, क्योंकि ये जो गेम है ये काफ़ी बचकाना है।
मुझे गेम प्ले इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है फ्रेंकली स्पीकिंग। और इसमें लाइफ जो है रिस्टोर करने के लिए एक आग के सामने बैठना पड़ता है दोस्तों, और आग में पूरा भी नहीं बैठता है, वो हाफ बैठता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ फनी कि फौजी जो है इतनी लोकप्रियता बटोर रहा है, नंबर वन गेम पे ट्रेंड कर रहे हैं अभी। और बता दूँ दोस्तों, ये जो गेम है ग्लोबल वर्जन में जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनली इसको रिलीज कर दिया गया है, यानी कि दूसरे जो कंट्रीज है US, UK वहाँ भी ये जो गेम है धमाल मचा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, फौजी उतना ही लोकप्रियता बटोर सकता है जितना इंडिया में बटोरा उसने, या फिर बाहर जाके फ्लॉप हो जाएगा? वैसे मैं इसको कंपेयर बिल्कुल नहीं करूँगा COD या जो PUBG है उसके साथ, इसको अलग लेवल पे ही रखते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा फौजी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। आखिरी जो खबर निकल के आती है वो निकल के आती है OnePlus के बारे में। जी हाँ दोस्तों, OnePlus 8 सीरीज में जो है अभी जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आना शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों के पास OnePlus 8 या 8 Pro है तो जाके अपडेट कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन फिक्स हुआ है और जो बग्स है उसको भी फिक्स किया है थोड़ा बहुत। और अगर 5G कॉल्स की बात करें तो उसमें थोड़ा नॉइज़ का इशू आ रहा था, उसको भी फिक्स किया है इस ऑक्सीजन OS अपडेट के साथ। तो अगर आप लोगों के पास OnePlus 8 या 8 Pro है तो डेफिनेटली अपडेट कर लीजिएगा। 8T का अपडेट इसके बाद ही आ जाएगा, तो फिलहाल के लिए वेट करते हैं 8T के लिए। 8 और 8 Pro में आ चुका है दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली गैजेट न्यूज़ के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा इस हफ्ते का वीकली गैजेट न्यूज़ डेफिनेटली मुझे लिख के बताइएगा। आपके कोई वैल्यूबल सजेशन या कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इतने देर तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है इससे। और जाने से पहले दोस्तों मैं एक बार वापस से कहूँगा, निवेदन करूँगा सबसे कि सिर्फ देखिए मत वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बाजू में जो बेल आइकॉन है इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त स्वरूप सेइंग गुड बाय। स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप वॉचिंग गैजेट बफ।